आई थिंक पेट्रियार्की जो है यही है कि मेल डोमिनेंस होती है. फॉर एग्जांपल फैमिली का हेड जो है वो मेल को कंसीडर किया जाता है. जैसे जैसे जनरेशन गैप आ रहा है, फैमिलीज को समझने की ज़रूरत है कि औरत भी एक घर का हिस्सा, एक औरत घर का हेड बन सकती है. अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. आप देखा जाए तो जो बच्चा ब्रॉट अप होता है अपने इर्द गिर्द से वो सीखता है, आई थिंक कि वो अपने कल्चर से सबसे ज्यादा सीखता है. लड़कियों का इतना कोई ना शौक नहीं होता फुटबॉल खेलने का या ग्राउंड्स में जाने का. लड़कियों को कहते हैं घर में ही बैठ के खेल लो, इस तरह का कल्चर है यहाँ पे. इवन कि हमारा इस्लाम जो है वो हमें इजाज़त देता है कि अब जब आप बेटे की या बेटी की शादी करो तो उसे उसकी रजा जो है वो मालूम कर लेनी चाहिए. ठीक है, अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर से इस तरह की चीज़ें नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा जो कल्चर है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मेरे ख्याल से हर इंसान के अपने माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है. मतलब एक रिलीजन है हमारा, इसमें अच्छी बातें हैं और हर चीज़ का एक डिफाइंड मफहूम नहीं है. अल्लाह ताला ने जो बात हमें की है उसके मुख्तलिफ मफहूम भी बनते हैं. तो ये इंसान के माइंडसेट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उसमें से वो क्या प्रिसेप्ट कर रहा है, वो उसका प्रिसेप्शन क्या है वो चीज़ पढ़ के. इस्लाम कभी भी डंडे के जोर पे नहीं फैल सकता. अगर आप कहेंगे कि औरत अंदर रहे तो औरत क्या कह सकते हैं इसको, रिबेलियस हो जाएगी. जो हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि औरत रिबेलियस हो जाती है क्योंकि उसको दबाया जाता है. औरत को भी हक है, ठीक है, वो भी एक जिंदा जान है, उसको भी उस पर भी तमाम जो है ना उस पर होनी चाहिए. लेकिन ये नहीं है कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो या वो बाहर नहीं जा सकती, वो मर्दों में काम नहीं कर सकती. पहले ये रिवाज नहीं था. आई मीन वुमेन डिड नॉट यूज टू स्पीक अप अगेंस्ट एवरीथिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हर चीज़ के बारे में लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती थी कि लोग क्या कहेंगे. जो लोग कह रहे हैं कि औरतें ऐसे ही बोल रही हैं, उनको शायद रिसर्च करने की ज़रूरत है, उनको अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है. कोई भी पावर नहीं होती औरत के ऐसी उठ के कह दे कि मेरे साथ गलत हो गया. केसेस भी रजिस्टर होते हैं, FIR भी उनके खिलाफ होती है, मुजरिम भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी सज़ा नहीं होती, या फिर कोई जिसके पास पैसा है वो वहाँ से बाहर आ जाएगा. मेरा ख्याल है शहरों के अंदर जो है ये चीज़ ज़्यादा कामयाब है क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी हैं और वो इस चीज़ को सोशल मीडिया से भी ज़्यादा उनका इंटरेक्शन है, तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा उसको इम्पैक्ट उसका लेंगे एज़ कम्पेयर टू लोग जो विलेजेस और देहातों में जो रह रहे हैं. अगर देहात में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मीटू का टैग लगा के कोई लड़की अगर शेयर कर देती है तो उसके लिए तो मसला बन जाएगा. वहाँ पे तो आपको पता है चौधरी वगैरह होते हैं, वो लोग तो उनको नहीं छोड़ेंगे. और ये पाकिस्तान में तब इन होगी जब हम इक्वलिटी देंगे औरत को, ठीक है, उसको हक देंगे बोलने का कि वो अपने किसी के दबाव में ना रहे. फॉर एग्जाम्पल किसी अगर कोई गलत रिपोर्ट भी करता है लेकिन एटलीस्ट उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उस बात को दो दिन के लिए टैग लगा के शेयर करके छोड़ा ना जाए. गवर्नमेंट ने कुछ किया आज तक? ये स्टेटमेंट पे कोई भी कोर्ट अपनी अपना वर्डिक्ट नहीं देती. गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट हों या जो है वो NGOs हों जिनमें बाकायदा जो है वो औरत का हक दिया जाए, वो बोले जाए. सवाल अब एंड पे एक उठता है हमेशा कि हम लोग सिर्फ बातें ही क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं. मेन बात करने का मकसद इस टाइम ये है कि दोनों को इक्वल राइट्स अगर देंगे तो ही हमारा मुआशरा आगे तरक्की कर सकता है. ये अगर हम लोग यूथ अगर इस चीज़ पर अमल नहीं करेगी तो फिर आगे सीनियर से तो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता.